Hello, welcome to my channel. This is Bhaskar and I'm here with some 12 famous Bollywood song copied by Pakistan. Pakistan ne ki ki gaan copy koi se baro. Bolo chai lo. Okay, very excited, no? ये तो बहुत भल लगे. नहीं, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सुमी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अक्सर बॉलीवुड को एक्सपोज करता रहता हूं और आप सबको बताता रहता हूं कि कब कौन कौन से गाने इंडिया ने पाकिस्तान से चोरी किए। ये वीडियो सब बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इंडिया में देखने वाले मेरे व्यूअर्स गुस्से में आकर ये कॉमेंट करते हैं कि तुम पाकिस्तानी भी हमारे बहुत सारे गाने चोरी करते हो, अगर हिम्मत है तो इस पर भी वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इस पर भी वीडियो जाए कि जो गाने पाकिस्तान ने मोहब्बत में आकर इंडिया से कॉपी की हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी रिसेंटली फहद मुस्तफा और माहिरा खान की फिल्म कायदे आजम जिंदाबाद रिलीज हुई और इस फिल्म को बनने में कई साल लग गए। इस फिल्म की बहुत हाइप थी और इसने 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, लेकिन जैसे इस फिल्म के कुछ सीन्स पर बॉलीवुड की फिल्म सिंगम से कॉपी करने का इल्जाम लगा, वैसे ही इसके गानों को भी कॉपी करार दिया गया। इस फिल्म का रंगीन गाना लुटारे, जो आजकल बहुत सारे लोगों का फेवरेट बना हुआ है, इसकी धुन हूबहू अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल के गाने एक चुम्मा से कॉपी की गई है, जो 2016 में रिलीज किया गया था। अगर यकीन नहीं आता तो खुद ही सुन ले। आलमगीर साहब पाकिस्तान के लेजेंडरी पॉप सिंगर हैं और इन्होंने तब पाकिस्तान को पॉप म्यूजिक से मुतारिफ करवाया जब क्लासिकल म्यूजिक का दौर था और पॉप को लोग बहुत नापसंद करते थे, लेकिन इन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज और मुनफरिद अंदाज की वजह से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और बहुत सारे हिट गाने गाए। इनके गानों में सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था इतना मशहूर हुआ कि आज भी लोग इसको बहुत शौक से सुनते हैं। लेकिन अफसोस, इस गाने की धुन 60 की दहाई में बनाई गई फिल्म मेहंदी रंग लागियो के लिए बनाए गए गाने मेहंदी से चोरी की गई। ओरिजिनल मेहंदी गाना गुजराती जुबान में गाया गया था और इसको लेजेंडरी सिंगर लता जी ने गाया। आप दोनों गानों को सुने और खुद ही जज करें। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया। अभी चंद माह कबल शाली ने मेहंदी गाने को रिमिक्स किया तो बहुत सारे लोगों को लगा कि इसकी धुन को गागर से कॉपी किया गया, लेकिन मजीद रिसर्च करने के बाद पता चला कि दुआनी ने आलमगीर को नहीं बल्कि लता जी को कॉपी किया। 1995 की सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने कई रिकॉर्ड तोड़े और शाहरुख खान और काजल को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस फिल्म के गाने भी बहुत हिट हुए और इसका गाना मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, तो हर शादी पर लगाया जाता था ये गाना। फिल्म के साथ ही 1995 में रिलीज किया गया, लेकिन फिर 3 साल बाद यानी 1998 में पाकिस्तानी फिल्म नखरा गोरी दा में इस गाने को कॉपी करके पेश किया गया। इस फिल्म में शान, रीमा और मेरी फेवरेट जिया अली थी। आइए ओरिजिनल और कॉपी दोनों सुनते हैं और फैसला भी आपने करना है। ये कुड़िया, नशे दिया कुड़िया, ए कुड़िया, नशे दिया कुड़िया, पूरा सेम टू सेम कॉपी कर लो। क्या आपको पता है कि 2016 में सबा कमर और यासिर हुसैन की फिल्म लाहौर से आगे रिलीज की गई। ये फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन इसका गाना कलाबाज दिल बहुत ही हिट हुआ। इस गाने को आयमा बेग ने गाया, जिन्हें इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है, और वो ये खुद कहती हैं कि ये वो पहला गाना था जिसने मुझे रातों रात सुपरस्टार बना दिया। लेकिन जब मैंने ये गाना गौर से सुना तो पता चला कि इस गाने की धुन तो घाघरा की कॉपी है,
घाघरा माधुरी दीक्षित और रणबीर कपूर का बहुत ही मशहूर गाना था और ये 2013 की फिल्म ये जवानी है दीवानी में सुना गया। आप खुद ही सुन ले। इसको कॉपी करके पेश किया गया। बेश खिदमत है ओरिजिनल भी और कॉपी भी। व्यूअर्स 2002 में उस वक्त के मशहूर पॉप सिंगर हैदर अली और मीरा जी की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चलो इश्क लड़ाएं। इस फिल्म में हैदर अली की एक्टिंग को तो बेकार समझा गया लेकिन इसका गाना चूड़ी खन के लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन 2001 में बनाई गई फिल्म रहना है तेरे दिल में का टाइटल ट्रैक अगर आप सुने तो आपको अंदाजा होगा कि चूड़ी खनके को इससे कॉपी किया गया। आप खुद ही सुन ले। यार ते गान तक टिक टप जरा जरा गान तो बा को कोड़ा कोड़ा कॉपी कोड़ा डिमांड पड़ा कोड़ा इसी फिल्म यानी रहना है तेरे दिल में का एक और गाना जरा जरा महकता है भी पाकिस्तानियों को इतना पसंद आया कि इसको भी सेम फिल्म चलो इश्क लड़ाई में कॉपी किया गया। आइए मिलके सुनते हैं ओरिजिनल भी और कॉपी भी। वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग मुझे मेरा फेवरेट है गाना। आज तू मेरा बेवफा ये तो भगवान में रीमा और बाबर अली की फिल्म हम आपके गुलाम का गाना गोरे गोरे चश्मे पे तिल काला काला भी एक बॉलीवुड गाने की कॉपी है। अक्षय कुमार की 1994 की फिल्म सुहाग का एक गाना था गोरे गोरे नुक्कड़े पे काला काला चश्मा। ये गाना भी इसी की कॉपी है। खुद ही सुन ले। गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा गोरे गोरे मुकड़े पे तिल काला काला में रेशम और शान की फिल्म आई थी जिसका नाम था कोयला। इस फिल्म का एक गाना था मेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त। इस गाने को अरबाज खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के गाने तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त से कॉपी किया गया। तेरी जवानी। दोस्तों 1995 में इंडियन पॉप सिंगर एशिया चुनाई ने गाना मेड इन इंडिया गाया जिसको इंटरनेशनल फेम हासिल हुआ। लेकिन फिर 1997 में रीमा जी और शान की फिल्म दुनिया है दिल वालों की में इस गाने को सेम टू सेम कॉपी किया गया। बस मेड इन इंडिया की जगह मेड इन पाकिस्तान लगाया गया और इस गाने की म्यूजिक वीडियो भी सेम टू सेम बनाई गई जैसा कि आप देख सकते हैं। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं अक्सर बॉलीवुड को एक्सपोज करता रहता हूं और आप सबके सामने वो वीडियोस लेकर आता रहता हूं जिनमें मैं आपको बताता हूं कि बॉलीवुड ने कब पाकिस्तान के कौन कौन से गानों को चुरा किया। भाल ले लेता है इतने। की कॉपी के थरी फले सेम टू सेम यार बॉलीवुड है जिन्हें के कॉपी करे पाकिस्तान में सॉन्ग পাকিস্তানও কপি করে ফেলে একে দুই ফালে একে আছে তো একো প্রবলেম নহয়
যদি এটা ভাল গান এটা আৰু এটা ৰিক্ৰিয়েট কৰি বনোৱা আছে, কি প্ৰব্লেম আছে? মইতো ভালে পাইছোঁ শুনি পেলাই। আৰু এনেকুৱা নাইণ্টিৰ ছংবিলাক আমি যিবিলাক শুনিছিলোঁ সেইবিলাক ধুনীয়া, বৰ কপি হয়, শুনিলে এতিয়া কেতিয়াবা বেয়াও লাগি যায়। ইছ ৰাম, এটা ইমান ধুনীয়া ফেভৰেট গানবিলাক মোৰ কপি গান হয়, ক'লে অলপ বেয়া লাগি যায়। তো কিয় কৰে আমি, ঠিকে আছে বনাই হওক, আমি শুনি থাকিলে হ'ল আৰু, তাতে কপি পেষ্ট কপি পেষ্ট যিমান পাৰে কৰি থাকক। So if you like this video, then click subscribe, like it, share it, and don't forget to click bell icon, okay? Bye-bye.